प्रोग्राम में वेलकम करती हूं और मैं खुदावन की शुक्रगुज़ारी करती हूं खुदावन के खादिम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए जिन्हें खुदावन ने फेथ टेलीविजन का विजन दिया जिसके ज़रिया से बहुत से लोग खुदावन का कलाम सुनते सीखते और बरकत पाते हैं मैं खुदावन की शुक्रगुज़ारी करती हूं इस प्लेटफॉर्म के लिए और लाइट ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए जिसमें हम बहुत सी बाबरकत पर्सनैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएँगे खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं सो आज भी हमारे साथ एक बाबरकत पर्सनलिटी हैं जो कि एज अ वर्शिपर खुदा की खिदमत करती हैं और खुदा उन जगह बजह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है हम खुदा की शिक्र करते हैं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में सिस्टर मरियम पीटर मौजूद हैं सो हम खुदा की खात्मा को अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे सो सिस्टर जी वी वेलकम ये थैंक यू सो मच खुदा आपको बहुत बरकत दे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू सो इससे पहले कि हम सिस्टर के साथ मजीद बातचीत में आगे बढ़ें और खुदा उनके कलाम की बातें करें हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे अपने सरों को झुकाएंगे और इक्शु को गुजारी की दुआ करेंगे हाल प्रेस लॉर्ड है खुदावन कादर मुतली खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे बड़े फ़जल के लिए तेरे करम के लिए जो खुदाबंद हर रोज़ तो हम पर करता है ए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्श दिया कि हम मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें ए खुदावद तेरे हजूर में दुआ करती हूँ कि आज इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक शख्स को खुदावंद तो छूना और ब्लेस करना ताकि ए खुदावंद आज के प्रोग्राम से बहुत सारे खुदावंद नौजवान ए खुदा मोटिवेट हों इंस्पायर हों और तेरी खदमत के लिए खुदावंद आगे बढ़ते चले जाएँ ऐदावंद तो सिस्टर मरियम को छुना मुझे छूना ताकि आज खुदावंत हमारी बातचीत बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत हो खुदावंत जितनी देर भी हम तेरे हजूर में रहें ए खुदावंत हमारी बातचीत हो ये प्रोग्राम रहे खुदावंत तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे मसी यस्सु के नाम से अमिन प्रेज द लॉर्ड सो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ सिस्टर मरियम पीटर मौजूद हैं तो so सबसे पहले हम सिस्टर जी की टस्टमनी सुनेंगे कि किस तरह से वो खुदावंत में आई किस तरह से उनकी खिदमत का आगाज़ हुआ सिस्टर so जी आप बताइए व्यूवर्स को कि किस तरह से आप खिदमत में आई और कैसे आपकी खिदमत का आगाज हुआ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा युम सीखे कि उन्होंने वक्त दिया ताकि हम मिलकर आपके साथ अपनी टेस्ट को शेयर करें और ईमान रखती हूँ कि जब आज आप मेरी टेस्ट को सुनेंगे तो आप ज़रूर बरकत पाएंगे और उसके बाद मैं शुक्र गुज़ार हूँ फेक टी के चेयरमैन पास्टर सिसल जोन बरकत की कि उन्होंने ये खूबसूरत ये प्रोग्राम का गाज़ किया और मैं ईमान रखती हूँ कि जब इस प्रोग्राम का गाज हो चुका है तो बहुत से लोग इस प्रोग्राम के से बरकत को रिसीव करेंगे सबसे पहले तो सबसे मेरी जो ट्रस्ट मनी है वही यही है कि मैं खुदा में आई और खुदा ने अपने जलाल के लिए मुझे चुना चार पाँच साल की थी तो बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो चुकी थी लास्ट स्टेज पर थी डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करती कि खुदा ने नई जिंदगी दी और जब मैं लास्ट स्टेज पर थी तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया लेकिन खुदा उनकी शुक्र गुज़ारी करती खुदा ने नई जिंदगी दी और जब मुझे खुदा ने नई जिंदगी दी तो मेरे ख़ानदान वाले हैं घर वाले मामा पापा भाई और इन्होंने कहा कि अब जब तक मेरी ज़िंदगी है मरियम की ज़िंदगी है ये खुदावन की प्रस्तिश में गुजारेगी और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे बचपन से ही चुन लिया अपने खिदमत के लिए अपने जलाल के लिए इस बात के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदा ने बचपन से लेकर आज तक बहुत सी जगहों पर अपने जलाल के लिए अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल किया मैं इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ थैंक यू सिस्टर जी और बहुत अच्छी बात है कि उनके पेरेंट्स ने उनको खुदावन को डेडिकेट कर दिया कि वो खुदा के लिए खिदमत करें और जैसे मैं आपकी टेस्ट बनी सुन रही थी तो मुझे खुदा की खाद माह याद आई कि किस तरह से खुदावन से डिज़ायर करती थी कि मेरी औलाद हो और जब उन्होंने अहद बांधा कि खुदावन जब मुझे औलाद देगा तो मैं उसे खुदावंद के लिए दे दूँगी खुदा की खिदत के लिए दे दूँगी और खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं आपके पेरेंट्स के लिए और आपके लिए और दुआगु हैं किसी तरह खुदाबंद आपको अपने जलाल में और ज़्यादा बढ़ाता चला जाए और इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप खिदमत करती हैं तो उसके साथ आप प्रोफेशनली क्या कर रही हैं स्टडीज़ कर रही हैं या जॉब कर रही हैं नहीं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ अभी मैं टें क्लास की स्टूडेंट स्टडी कर रही हूँ और आगे भी मज़ीद पढ़ना है जॉब का तो कोई नहीं है और घर वाले भी कहते हैं जो अपनी करवानी जब तक मेरी जिंदगी है जीना भी खुदा के लिए और मरना भी खुदा के लिए और स्टडी के साथ मैं स्पोर्ट्स गेम भी फ़ुटबॉल खेलती बहुत शौक है और खुदा की शुक्रगुजारी करती हैं इन सब बातों तो के लिए लॉर्ड खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और गु हैं कि जैसे आप खिदमत में बढ़ रही हैं इसी तरह खुदांद आपको स्टडीज़ में भी I'm बढ़ाए I'm... और बहुत सारे लोगों के लिए भी लाइट आप काम कर सकें सो so, इसी तरह जैसे आप स्टडी करती हैं खिदमत करती हैं तो दोनों को कैसे मैनेज करती हैं दोनों को मैनेज करना तो इतना ईजी नहीं होता ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रात के टाइम ही होते हैं वर्शिप के लिए जाना होता है और स्टडी के साथ वर्शिप भी कर रही हूँ और ख़ुदा ने मुझे हारमोनीम बजाने का भी एक तोड़ा दिया हुआ है इस बात के लिए मैं खुदा की, की शुक्रगुजारी करती हूँ और चर्च में क्वायर भी तैयार कर रही जितना मुझे हारमोनीम बजाना आता है उनको सिखाती इस बात के लिए मैं ख़ुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ स्टडी के साथ हारमोनीम भी सिखाती हूँ और ख़ुद भी वर्शिप करती हूँ जी सिस्टर जी जैसे कि आप ख़ुद भी हारमोनियम प्ले करती हैं और दूसरों को भी सिखाती हैं तो इसी तरह आप खुद कितना टाइम देती हैं जी मैं बताना चाहती हूँ कि स्टडी को भी मैनेज करना पड़ता है साथ ही और साथ हारमोनियम भी सिखाती हूँ तो जब मैं सिखाती हूँ तब तो दो या तीन घंटे सिखाती हूँ उनको चर्च के जो मेंबर्स हैं नौजवान यूथ उनको सिखाती हूँ तो दो से तीन घंटे उनको सिखाती हूँ और ख़ुद भी उनके साथ तो नहीं मैं प्रैक्टिस वहाँ पर करती हूँ उनको सिखाती हूँ लेकिन घर आकर मैं ख़ुद भी हारमोनीम की प्रैक्टिस करती हूँ ताकि खुदा ने जो मुझे तोड़ा दिया इसमें मज़ीद आगे बढ़ूँ और ख़ुदा उनके नाम को जला मिले Lord, और जैसे आप हारमोनीयम टीचर हैं सिखाती हैं आप तो जितने और बच्चे अभी सीख रहे हैं नौजवान हैं हारमोनीम सीख रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं कि वो कितना टाइम दें और कितना उनके लिए ये ज़रूरी है ए, आपने कहा टीचर तो टीचर तो नहीं जितना मैंने सीखा है अपने जी से मेरे उस्ताद है उस्ताद तारिक सूफ़ी उनसे जितना मैंने अब तक सीखा है क्योंकि बीच में स्टडी का भी थोड़ा इशू था इसी वजह से फिर थोड़ा सा स्किप कर दिया हारमोनीम को जितना मैंने सीखा है उतना मैं सिखाती हूँ टीचर नहीं कह सकते और जैसे कि आपने पूछा कि म्यूज़िक को कितना मैं टाइम देती हूँ तो घर में जब भी स्टडी के बाद मैं फ़ारिग होती हूँ तो मैं म्यूज़िक को टाइम देती हूँ हारमोनीम के साथ वेरी गुड और सिस्टर जी इसी तरह एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बहुत से नौजवान हैं वो बाकी सारी चीज़ों को तो तरजीह देते हैं लेकिन ख़िदमत को लास्ट पर रखते हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखें जिसमानी काम तो हम जब तक दुनिया में हैं ये हमारे होते ही रहने हैं हमें उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी देखें इस रोई ज़मीन पर अगर है तो ये भी याद रखें कि खुदा ने आपको ज़िंदगी दी हुई है अगर खुदा आपको ज़िंदगी ना दे तो आप ये दुनियावी काम भी ना कर पाएँ तो मैं ये, ये आप सबको कहना चाहूँगी कि आप इन दुनियावी कामों को थोड़ा सा स्किप कर दें रोक दें उनको तो आप रूहानी काम में आगे बढ़ें और खुदा के कामों में और ज़्यादा मजीद आगे आए खुदा ने सबको अलग अलग ब्लैसिंग दी हुई है जैसे मुझे वर्शिप की दी हुई है आपको खुदा इससे हट कर आई थिंक सो आपको देना चाहे ब्लैसिंग तो मैं यही आपको मैसेज देना चाहूंगी कि आप दुनियावी जो आप काम करते हैं उनको स्किप कर दें और खुदा की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो जी वीवर्स जैसे सिस्टर ने कहा कि आप खुदावन के काम को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर स्टडी करते हैं या जॉब करते हैं तो आप उसको मैनेज करें और स्टडीज़ करते हैं तो स्टडीज़ को उसका टाइम दें जिस चीज़ का जो टाइम है उसको दें लेकिन सबसे पहला जो दर्जा है वो आप वो खुदावन को दें खदमत को दें और खुदावन के नाम को जलाल दें ताकि आप दूसरों के लिए भी बरकत का सबब ठहरें सो इसी तरह सिस्टर जी हम अपनी जो रोज़मर की ज़िंदगी है उसमें दूसरों के साथ खुदा उनका कलाम कैसे शेयर कर सकते हैं हाँ जी रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम जो खुदा की कलाम की जो बातें हैं जो खुदा से बहुत दूर हैं हम खुदा की रोशनी को इस तरह भी बांट सकते हैं कि खुदा ने हमें जो ब्लेसिंग दी है सबसे पहले ये रोशनी फैलाने का जो तरीका है ना सबसे पहले ये है कि हमारे दिल में एक बोझ होना चाहिए उनके लिए जो खुदा की तरफ नहीं है अगर हमारे दिल में बोझ नहीं होगा तो हम उनके लिए भी बिना बायस बरकत नहीं बन पाएंगे हमारे दिल में जब उनके लिए बोझ होगा कि नहीं यार अगर मैं प्रस्तिश करती हूँ या करता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं दूसरों को भी खुदा की तरफ लेके आऊँ जब हमारे दिल में एक बोझ होगा तो फिर ही हम दूसरों में खुदा की रोशनी को बांट सकेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की कॉल हमें आ जाती है तो हम इधर उधर की बातें कर लेते हैं ऐसी वैसी इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि हम उनसे कहें क्या आपने सुबह उठ के दुआ की क्या आपने कलाम पढ़ा रात को सोते वक्त आपने दुआ की देखिए यही तरीक़ा है जब हम कलाम की बातों को उनके साथ शेयर करेंगे ना तो फिर ही खुदा की रोशनी को खुदा के कलाम को हम फैलाएँगे बिल्कुल सही कहा आपने सिस्टर जी और इसी तरह हम अपने करैक्टर से भी और खुदावन को ज़ाहिर कर सकते हैं क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसी यस्सु का भी था और जैसा हम यस्सु का जैसा जब मिजाज रखेंगे तो हम दूसरों के लिए बी या लाइट काम कर पाएंगे और दूसरों के लिए बरकत का सबब रहेंगे गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी और मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जितने भी मसी नौजवान हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए एक मसी जॉब बहन भाई हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए उनकी ज़िंदगी रूहानी जो है वो ईमान से भरी होनी चाहिए खुदा पर ईमान होना चाहिए और उनकी जो ज़िंदगी है वो खुदा के साथ जुड़ी होना ज़रूर है क्योंकि जो ए, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है मुबारक है वो जो नौजवानी में खुदा को याद करता है तो नौजवानी के अयाम में जो खुदा को याद करता है मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा उसको सरफराज करता है तो यूथ को मैं कहना चाहूँगी कि आपकी रूहानी ज़िंदगी दुआ के साथ स्टार्ट होनी चाहिए जब आप दुआ में ज़्यादातर ठहरते हैं तो खुदा आप पर एक नए भेद खोलता है और जब आप चाहते हैं खुदा को सरफराजी अता करे तो आपकी ज़िंदगी में रोज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तब जब हम खुदा के आगे इल्तिजा करते हैं तो खुदा हमारी इल्तिजाओं को सुनता है तो रूहानी जो आपकी ज़िंदगी है वो ईमान के साथ मजबूत होनी चाहिए और सदा खुदा उनके साथ चलती रहनी चाहिए थैंक यू सिस्टर जी और जैसे कि खुदा उनके कलाम में मरकूम है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्ता उसके रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं जी बिल्कुल खुदा के कलाम में लिखा है खुदा रू है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रू और सच्चाई से उसकी प्रस्िश करें। और मेरे चीज़ों खुदा ऐसे ही परस्तार ढूँढता है जो रू और सच्चाई से यहाँ बात हो रही है रूह और सच्चाई से बेशक खुदा सच्चाई से जो प्रस्सिश करते हैं खुदा उनको बड़ी बरकत देते हैं मेरे जिजो तब ही आप रूह और सच्चाई से प्रस्िश कर सकते हैं जब आप खुदा के साथ जुड़े होते हैं खुदा के साथ जुड़ना एक ईजी बात नहीं है आपकी ज़िंदगी में दुआ भी होनी चाहिए रोज़ा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात खुदा पर आपका ईमान होना ज़रूर है मेरे जिजो जो खुदा का बंदा दाऊ था वो नाच कर झूम कर सच्चाई से खुदा उनकी पस्िश करता था और ख़ुदा अपने बेटे को बहुत प्यार करता था अगर आप आज चाहते हैं कि खुदा आपको भी वैसे ही प्यार करे और अगर आप चाहते हैं कि आप वैसे ही रू और सच्चाई से नाच कर झूम कर खुदा उनकी प्रस्तिश करें तो आपने अपनी ज़िंदगी में दुआ को बहुत अहमियत देनी है जब तक आपकी ज़िंदगी में दुआ नहीं आप सच्चाई से रूह से प्रस्तिश नहीं कर सकते और खुदा के साथ आपका जुड़ना भी बहुत जरूर है जब फेलोशिप आपकी अच्छे जो आपके रहने, आपके साथ रहने रहने साथ वाले लोग हैं उनके साथ आपकी अच्छी रफाकत रूहानी होगी तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे जब आप उनसे सीखेंगे जब आपकी खुदा के साथ एक लगन लग जाएगी तब ही आप रूह और सच्चाई से खुदावन की प्रस्तिश कर सकेंगे ब्लेस यू सिस्टर जी और जैसे कि आप वर्शिप करती हैं तो हम चाहते हैं कि आप व्यूवर्स के साथ एक गीत भी शेयर करें आप जो भी गाना चाहती हैं ज़रूर अच्छी जी। जी तो आपको गीत सुनाऊंगी ईमान रखती जब आप इस गीत को सुनेंगे तो बरकत को रसीफ़ करेंगे हाले जिंदगी hmm, च मेरे ये सो कर दे कमाल जिंदगी च मेरे ये सो कर दे कमाल तेरा ही जलाल होवे तेरा, तो तेरा ही जलाल जिंदगी च मेरे ये सो कर दे कमाल जिंदगी च मेरे ये सो कर दे कमाल तेरा ही जलाल होवे तेरा ही जलाल तेरा ही जलाल होवे तेरा ही जलाल प्रेजल और सिस्टर जी वेरी नाइस nice, बहुत अच्छा आपने गीत गाया और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जब भी ये गीत रिलीज़ होगा आप ज़रूर सुनिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा सो so इसी तरह सिस्टर जी थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें ज्वाइन किया थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और खुदा उनकी शुक्र करते हैं आपकी तमाम खिदमत के लिए और दुआगो हैं कि खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जल में इस्तेमाल करें सो so लास्ट में आप जो जितने भी नौजवानों में देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं जी इस वक्त जितने भी नौजवान मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं खुदांद आपको बहुत बरकत दे और मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप दुनियावी जो काम हैं उनसे ज़रा हट जाएं खुदांद क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है जैसे हालात चल रहे हैं वक्त बहुत नज़दीक है खुदा ये सुम आने वाले हैं तो आप आप सबके साथ मेरा यही मैसेज है कि आप दुनियावी कामों को छोड़ें और खुदावन की तरफ रजू करें और जब आप खुदावन की तरफ आएंगे तो खुदावन आपको बहुत सरफराज करेंगे गॉड ब्लेस यू ऑल सो so, जैसे कि आज हमारे साथ मरियम मौजूद थी और मेरा ईमान है कि आपने आज के प्रोग्राम से बहुत सी बरक़ात को रिसीव किया और बहुत कुछ सीखा है मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ सो so, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फेथ टी के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो जब आए तो आप तक पहुँचे और अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए सो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे ब्लेस थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल